नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे सदस्यों के योग नियम के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? सदस्यों के योग नियम के बारे में, जिसमें आज हम लोग दो नियमों की कुछ चर्चा करेंगे। पहला नियम है समानता चतुर्भुज नियम और दूसरा है योग का त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ। तो इसी प्रकार हम लोग अपने इस सेशन में आगे बढ़ेंगे और अपने इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। आप सभी लोग कैसे हैं एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, फिर हम लोग आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखेंगे अपने इस टॉपिक के बारे में। सभी चीज़ें क्लियर हैं एक बार जल्दी से कमेंट कर दें कि सर क्लियर हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास का रिविज़न आई होप आप सभी ने कर लिया होगा और मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई थी वो सभी चीज़ें, पहले तो इंट्रोडक्शन होता है हर चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया दिया था कि किस प्रकार से सदस्यों का निरूपण करते हैं, किस प्रकार से सदस्य राशियाँ होती हैं, अदस्य राशियाँ क्या होती हैं, क्या क्या उन दोनों में अंतर थे, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका था। तो अब हम इसमें देखेंगे जल्दी से क्या देखेंगे। पहले तो हम अपना चैप्टर का नाम डालेंगे इज्जत से, सदस्य और अदिश राशियां। सभी को पता है कि भूल गए हो? चलिए तो अब हम लोगों को देखना है सदस्यों के योग नियम। क्या देखेंगे? सदस्यों के योग नियम। तो सभी लोग जल्दी से अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाओ और जल्दी से लिखो टॉपिक या हेडिंग का नाम सदस्यों के योग नियम। क्या देखेंगे? सदस्यों का योग नियम, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर। सदस्य राशियों को जोड़ने के लिए कुछ अलग नियम होते हैं, अलग नियमों के द्वारा उनको हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि वो सिंपल बीजगणितीय नियमों से अलग होते हैं। वो इस प्रकार नहीं जोड़ते हैं जैसे हम किसी भी अदिश राशि को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, थोड़ा उनका नियम होता है। सदस्यों के कुछ नियम होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, वो उनके बारे में हम दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। तो चलिए, सदस्यों को जोड़ने के लिए उनके नियमों का पालन करना पड़ता है और दो प्रकार के नियम होते हैं। पहला नियम है आपका समांतर चतुर्भुज नियम। क्या है? समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम और दूसरा है त्रिभुज नियम। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो जल्दी से आप हम लोग समझेंगे। पहले इसमें समझते हैं त्रिभुज नियम। ट्राइंगल लॉ। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है पहले उसको समझिए। त्रिभुज कहता है कि यदि आपके पास दो सदस्य ए और बी हों, क्या हों? सदस्य हों, दो सदस्य हों, तो उसको हम लोग जोड़ने के लिए किस प्रकार जोड़ेंगे? तो हम पहले आपका ए सदस्य को हम यहाँ पर रखेंगे वेक्टर ए इस प्रकार से, दूसरे सदस्य को हम लोग पहले सदस्य के शीर्ष से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग एक काल्पनिक सदस्य खींचेंगे जो कि जिसका नाम होगा क्या? वेक्टर आर। क्या होगा? वेक्टर आर। ये आपका वेक्टर बी, तो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, यानी सदस्य ए है और सदस्य बी है। इनको इस प्रकार हम लोग ऐड करते हैं, इस प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। थीटा हम लोग यहाँ पर रखेंगे, थीटा ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा जितना भी थीटा होगा। तो आपको बता दें जिस प्रकार से थीटा दिया जाएगा उस प्रकार से अपन लोगों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कोई थीटा नहीं दिया गया तो हमने सीधा सीधा आपको ऐसे ही बता दिया। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है और रिजल्टेंट इसका किस प्रकार निकलेगा कि आपको एक काल्पनिक दोनों को छूती हुई यानी कि वेक्टर ए के पूंछ से
और वेक्टर बी के शीर्ष तक एक काल्पनिक क्या खींच देना है, एक रेखा खींच देनी है, एक वेक्टर खींचना है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, परिणामी वेक्टर। बस इसी प्रकार आपका क्या होता है, यह नियम त्रिभुज नियम इसी प्रकार होता है। इस प्रकार से आप लोग दो सदस्यों को जोड़ सकते हैं। दो सदस्यों को जोड़ने के लिए हम लोग त्रिभुज नियम का पालन करते हैं, त्रिभुज नियम के द्वारा जोड़ते हैं, क्योंकि यह बहुत ही क्या होता है, सिंपल होता है और दो के लिए ही होता है। अब दो से अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दो से अधिक के लिए भी नियम है। कौन सा नियम है भैया, तो वो है समांतर चतुर्भुज नियम। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज नियम। तो चर्चा करते हैं दूसरे नियम के बारे में, समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में। अब आपको ओवरव्यू पढ़ना है तो मैं ज़्यादा डीप नहीं उसको ले जा रहा हूँ, नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको इसी प्रकार से नॉर्मली अपना क्वेश्चन टिक करके आगे निकलना है, घुसने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आपको सिंपल सिंपल करके पढ़ा देता हूँ, उसी प्रकार से आप लोग सीधा करते चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर टिक मार्क आपको लगाना है, ना कि यहाँ पर आपको आपके नॉलेज को देखा जाएगा इतना ज़्यादा। ठीक है, आप तो आंसर कहीं से भी लाकर आइए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका तुक्का सही लग जाता है। अब वो केवल कहाँ पर काम करता है, जहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, कि तुक्का लग गया, सही हो गया तो सही है, गलत हो गया तो बस हो गया काम, समझ लो ठप्पे काम। तो उसके लिए अपन लोगों को इस प्रकार चीज़ें पढ़ना पड़ेगा कि अपन लोग ऊपर ऊपर सब लोग निपटाते चलें, डीप में घुसेंगे दिक्कत हो जाएगी आप ही को, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस एक पोर्शन, एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, और जीके जीएस में जब जीके जीएस मैथ रीजनिंग, सोचो चार सब्जेक्ट और प्लस कंप्यूटर अलग से, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि कहाँ का क्या हो जाए। ठीक है, तब आप एक से दूसरी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपन लोगों को अपना टिक मार के निकलना है और जल्दी से जल्दी अपन लोगों को नौकरी चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे, ना कि हम लोग ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, क्या देखेंगे भैया, समांतर चतुर्भुज नियम। यहाँ तक दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं, एक बार चेक करने दो मुझे। क्या देखेंगे भैया, समांतर चतुर्भुज नियम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बताओ। तो हाँ देखते हैं सर, क्यों नहीं देखेंगे, देखेंगे जरूर देखेंगे। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक वेक्टर हों, तो हम कुछ इस प्रकार से कर लेंगे उसको सॉल्व। किस प्रकार से कर लेंगे सॉल्व, देखो इस प्रकार से कि आपको वेक्टर ए इस प्रकार रखना है। अब एक मिनट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इस प्रकार नहीं रखेंगे। देखो पहले तो कुछ मैं सिंपल जैसे जैसे करके बता रहा हूँ वैसे वैसे समझना, एकदम वैसे वैसे समझना आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक वेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं, तो वेक्टर ये हमने यहाँ पर लिया और दूसरा वेक्टर यहाँ पर, वेक्टर वी हो गया, जैसा कि उसमें बताया था वेक्टर ए है ये, वेक्टर वी है। ठीक है, तो हमने दो वेक्टर ले लिए और थीटा कोण पर हों, तो थीटा कोण तो अपने पास है नहीं है अभी, तो अपन लोग उसमें छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, मतलब एक हम लोग झूठा झूठा वेक्टर खींचेंगे और एक यहाँ से लेकर इसके समांतर एक क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है, इस प्रकार एक और वेक्टर खींच देना है। और आपका जो परिणामी रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, देखिए इस प्रकार, समझ रहे हो, रिजल्टेंट आपका कुछ इस प्रकार निकलेगा, इस प्रकार से। क्लियर है इतनी बातें, ऑल क्लियर। देखो यहाँ पर क्या है कि जो परिणामी हम लोग निकालते हैं उसे 20 से लेकर जाते हैं, अब जो थीटा कोण होगा वो आपको थीटा कोण दे दिया जाएगा। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको इससे बिल्कुल क्लियर होने वाला है बिल्कुल भी। तो पहले क्या करना है कि आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या करना है कि वेक्टर ए में आपके पूछ से आपको क्या करना है, वेक्टर बी की पूछ मिला देनी है और वहाँ से आपको क्या करना है, वेक्टर बी खींच देना है ऊपर की ओर। अब दोनों के समांतर हम लोग बी, वेक्टर बी के समांतर एक और वेक्टर खींचेंगे काल्पनिक, और वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, यानी एक आपका क
क्या होगा, ए के समांतर एक और वेक्टर यहाँ पर हमने खींच लिया। बस काल्पनिक वेक्टर खींचने के बाद यहाँ पर जो आप लाइन खींचेंगे, जो बीच में ड्रॉ करेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे परिणामी। अब देखो दोनों सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से आपका निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, अब यहाँ पर कोई और भी वेक्टर हो सकता है। तो इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं, जल्दी से पहले बता दो। अब इस रेखा को हम लोग खींच देते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, परिणाम यहीं से निकलेगा। चलिए तो दोनों नियम हम लोगों ने अच्छी तरह से देखे। अब इस पर हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र होता है रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आपको दो तीन बार आप याद करेंगे तो उसको याद हो जाएगा आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं जल्दी से यहाँ पर, ठीक है। तो अब होती है क्वेश्चन की बारी, तो उसको पहले तो उतार लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग उसमें देखते हैं और जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होंगी सभी चीजें। चलिए अभी हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जल्दी से, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, 10 न्यूटन का बल कहाँ पर है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। पाँच न्यूटन का बल पूर्व दिशा में, पाँच न्यूटन का बल कहाँ पर है, पूर्व दिशा में है। इनके बीच का परिणामी ज्ञात कीजिए, आपको क्या दिखाना है, परिणामी ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको उसका परिणामी रिजल्टेंट आपको ज्ञात करना है, तो मैं आपको सीधा सीधा इसमें बना के दिखा देता हूँ। इसमें इस प्रकार से अपन लोग बना देंगे वेक्टर, यहाँ पर एक, यहाँ पर इस प्रकार से देखने वाले हैं। तो पता है ई कौन सी दिशा होती है, ईस्ट होती है, ए कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। इसके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। बताइए दोनों के जो दिशाएँ होती हैं कुछ इस प्रकार होती हैं। तो यहाँ के देखिए हर हर एक दिशा, जैसे यहाँ पर है उत्तर, यहाँ पर है पूर्व, तो इनके बीच का भी क्या होगा, 90 डिग्री, यहाँ का भी 90 डिग्री। जहाँ पर लंब के हिसाब से यानी सीधी खड़ी रेखा होती है किसी सरफेस पर, तो 90 डिग्री होता है। चलिए तो इतनी बातें समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं इसका परिणामी, हम लोगों को क्या देखना है, परिणामी देखना है, इसका परिणामी देखेंगे। तो अब हम लोग किस प्रकार देखेंगे, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन कहाँ है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, और 5 न्यूटन। बस अब अपन लोगों को क्या करना है, इसमें परिणामी निकालना है। तो ज़्यादा हम लोग चित्र मित्र के ड्रॉ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधा निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सीधा सूत्र रखो, काम ख़त्म, उड़ा दो। ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहला क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 5 × cos 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री। देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा
प्लस यहाँ पर 2 × 5 = 10 = 100, 10 × 20 = 500 और कॉस थीटा। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता होगी, कितनी होती है भैया? 0 होती है। तो बस यहाँ से आ जाएगा √125 यानी 5√5। किस प्रकार से आएगा? देखो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 125, 2 बाहर निकल जाएंगे तो 5√5 आ जाएगा परिणाम। ये आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पर परिणाम ही कितना आया है? 5√5। क्या आया है? 5√5। तो इतना आप जल्दी जल्दी नोट करिए इसको, फिर हम लोग अभी एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, टाइम बचा के चलेंगे हम लोग। पीछे रील करना हो कर लेना, ठीक है नोट। अब हम लोग चलिए देखते हैं इसमें कुछ नोट पॉइंट देखने हैं हम लोगों को। तो नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, नोट पॉइंट फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि मिनिमम कब होगा थीटा, मिनिमम कब होगा वैल्यू, रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, परिणामी मिनिमम कब होगा। तो भैया हमको ये देखना है रिजल्टेंट कब मिनिमम होगा, आर मिनिमम कब होगा और आर मैक्सिमम कब होगा, मतलब कितने डिग्री पर, ये आपको देखना है। तो पहले तो दिमाग लगाइए कि कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, देखिए समझिए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है? 1। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपकी होती है -1। समझ में आ गया इतनी बात? तो इतने पे समझ लो कि इतने पे होगा क्या अधिकतम और इतने पे होने वाला है मिनिमम। तो देखते हैं किस प्रकार होगा। तो R इज इक्वल टू सूत्र होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर हम लोगों को पुट करना है ओनली वैल्यू किसकी, किसकी वैल्यू पुट करेंगे भैया? इसकी वैल्यू पुट करेंगे थीटा की। तो 2ab cos 0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी बताओ? जैसे cos 0 हम लोग यहाँ पर रख दें तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब सबको पता है भैया कि a² + b² + 2ab क्या होता है? a + b² स्क्वायर से रूट ख़त्म, यानी r बराबर a + b। अब आप खुद ही बताओगे कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, ठीक है लो। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा, आपकी असुविधा के लिए मैं खेल है, वाइट रंगी सफ़ेद है। देखो दूसरा अब हम लोग देखें इसी प्रकार के, अब 180 वैल्यू रख के देखें तो किस प्रकार देखेंगे? a + b² + 2ab cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर कितनी रखना है? a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। बस अब किस प्रकार लेके चलेंगे यहाँ पर, a की जगह पर क्या लिखेंगे? a² + b² + 2ab और यहाँ पर -1 आएगा। 180 की cos 180 की वैल्यू -1 होती है, पता है सभी को कि नहीं? पहले बताओ, पता तो होगा सर। a² + b² और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2ab। बस तो यहाँ पर सूत्र क्या आएगा? a - b² स्क्वायर से रूट ख़त्म, यानी a - b। अब आप बताइए जब कोई चीज़, जब कोई वस्तु घटती है तो क्या कम ही होती है? क्या होती है? कम। तो यानी घटने से याद रखिएगा कि मिनिमम कब होगा a - b पर, यानी मिनिमम कब होगा? जब घटेंगे दोनों। और यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है हम लोगों को? मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर मिलती है और आपका 180 डिग्री पर क्या, कौन सी वैल्यू मिलती है? कौन सी वैल्यू में, सॉरी क्या बोल गया मैं, कॉस 0 पर, यानी आप कहेंगे 0 पर अधिकतम वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और 180 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू मिलती है। ये तो आपने देख लिया यहाँ पर, इस प्रकार हम लोगों को चीज़ें समझना था। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं,
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।